संपूर्ण स्वास्थ्य का विज्ञान एवं दर्शन आयुर्वेद, इस संदर्भ में आयुर्वेद की क्षमता को, विशेषताओं को, विज्ञान को लेकर के हम आपसे चर्चा कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि आपको बड़ा आनंद आ रहा होगा। और आज हम चर्चा करने वाले हैं विशेष कर करके हमारे जो तीन दोष हैं कि जो वात पित्त कफ जो दोष हैं, इसको हमने पहले जाना कि ये दोष ही नहीं, ये धातु भी हैं। तो जिस तरह से जो हमारे सारा जो शरीर में जिस प्रकार से मन का प्रभाव सारे शरीर में व्याप्त है, इसी तरह से तीन दोषों का भी जो प्रभाव है वो हमारे सारे शरीर में है। और मैं ये कहूँ कि मन से लेकर के हमारे मन तो जो है हमारा जो बाल है, नाखून है, जो अन्य जो मल पदार्थ हैं वहाँ नहीं पहुँचता है, परंतु ये दोष जो है इन मल पदार्थों में भी पहुँच जाते हैं। ऐसे महत्वपूर्ण तीनों दोषों का आज हम वर्णन करेंगे। वर्णन करने में संभवतः क्योंकि आज हम जो चर्चा करेंगे तीन दोष के विषय में, पहले हम चर्चा करेंगे, देखिए वात पित्त कफ ये तीन दोष हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इनको जानना बहुत ज़रूरी है। परंतु आज हम पहले चर्चा करेंगे वात दोष के संदर्भ में, वायु के परिचय के संदर्भ में। तो आज हमारी जो चर्चा का विषय होएगा वह वात या यानी वायु, वायु का जो परिचय है हम इसको समझेंगे, जानेंगे। फिर इसी तरह से कल हम चर्चा करेंगे पित्त के संदर्भ में, फिर हम चर्चा करेंगे कफ के संदर्भ में। तो आइए आज हम वायु के संदर्भ में बात करते हैं। मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि ये वायु या बात क्या चीज़ है। ये ऐसे तो आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो वात या वायु को तीनों दोषों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। और वात या वायु ये शब्द, दोनों ही शब्द संस्कृत के जो एक धातु है वा गति गंधनयो, इस धातु से ये दोनों शब्द बने हैं। तो इसके अनुसार जो तत्व शरीर के अंदर में गति या उत्साह उत्पन्न करें वह वात या वायु कहलाता है। इस प्रकार शरीर में सभी प्रकार की गतिविधियां या गतियां इसी वात के कारण से होती हैं। वात को ही प्राण भी कहा गया है, क्योंकि जो कई बार हम कहते कि वात शरीर में स्थित वात ही प्राण है, पर वह प्राण बाहर होता है तो सिर्फ वायु होता है, वह वहाँ वायु में भी प्राण है। इसलिए जो अथर्ववेद के अंदर शास्त्रों में जो वर्णन कहा है कि प्राणाय नमो यस्य सर्वविदं वश, ऐसा कह करके संपूर्ण जो ब्रह्मांड को ही प्राण के वश में कहा गया है। वस्तुतः जो प्राण है वही वायु है। चरक में इसलिए वायु को ही अग्नि का प्रेरक कहा है, सभी इंद्रियों का प्रेरक तथा हर्ष व उत्साह का उत्पत्ति स्थान, इस तरह से बहुत चरक के अंदर इसकी प्रशंसा की गई है। और आप ये शरीर समझिए कि वायु ही शरीरगत सभी धातुओं को अपने अपने कार्य में प्रवृत्त कराता है, कि वायु के गति से ही बाकी सारे धातुओं जो है गतिमान होते हैं, इसीलिए शरीर को धारण करने वाला वायु को ही माना गया है। तो पंच ये प्राण वायु के रूप में भी पंच महाभूतों में यह विद्यमान है, इनकी पंच महाभूतों में भी प्राणवायु के रूप में विद्यमान है, तो शरीर में भी यह वात के रूप में त्रिदोष में स्थित है। अच्छा, मजेदार बात यह है कि वायु अपने आप में स्वतंत्र रूप में भी विद्यमान है, पर वो कफ और पित्त में भी यह त्रिदोष में यानी स्थित है। आपको यह समझना होगा, यानी जो प्राण है सर्वत्र है, उसकी गति अपने आप में स्वतंत्र सत्ता भी है, वो उसकी मिश्रित सत्ता भी है, इसको आप समझिए। तो वही वायु श्वास प्रश्वास या ऊर्जा के रूप में देह को धारण करता है। जैसे हम श्वास लेते हैं प्रश्वास लेते हैं तो उससे यह देह का धारण होता है, और इसी का नाम हम, जैसे मैंने कहा कि प्राण वायु या वात है। और यह प्राण शब्द जो है वो जीवनी शक्ति का द्योतक है। जब हम बात करते हैं मन, ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय, ये अपने अपने विषय में कर्मों में जो नियुक्त जो करता है इन सबको, तो ये शरीर की जैसे पाचक अग्नि है, धातु अग्नियां हैं, इन सबको जो प्रदीप्त करने का काम करता है। हमारे शरीर में जो विभिन्न स्रोत हैं या उनके जो छोटे छोटे जिसको कहते हैं ना खाली जगह, जो वीवर जिसको बोलते हैं, उन स्थानों पर भी ये सब जगह पर ये वायु सब गति करता रहता है। ये वायु उनका निर्माण भी करता रहता है, खाली स्थान बनाना भी, खाली स्थान पर जो है बना करके बाकी उसमें गति करने का काम करना भी, ये इसी का ही काम है। रस रक्त आदि जो धातुएं हैं या उनकी जो सूक्ष्म स्थूल रचना करना है, या शरीर के एक अंग से दूसरे अंग का जो संबंध करना है, जोड़ना है, तो ये सब काम ये वायु का ही कार्य है।
इसके अलावा आप और भी समझिए कि जो गर्भ में स्थित जो भ्रूण होता है ना, उसका जो विकास करना है, उसका कैसा आकार बनेगा, किस तरह से होगा, या दूसरा जितना भी हम देखते हैं पूरा जो नर्वस सिस्टम है हमारा, जिसको हम लोग नाड़ी मंडल कहते हैं, उनका जो सभी क्रियाओं का नियंत्रण करना या उन सभी क्रियाओं का संचालन करना, ये सब भी वायु के ही अधीन है। तो वात के बिना तो दूसरे जो तीनों दोनों दोष जो है पित्त और कफ भी पंगु के समान निष्क्रिय रहते हैं। तो इसीलिए शास्त्र में बहुत इसके लिए कहा, पित्त को और कफ को पंगु कहा गया कि वायु जहाँ लेकर के चलते हैं वो वहीं चलते हैं, क्योंकि वात ही इन दोषों को मलों को अपने अपने स्थान पर स्थिर भी करता है और आवश्यकता पड़ने पर अलग अलग जगह पर भी पहुंचाता है। तो इस प्रकार से मल मूत्र स्वेद जो पसीना आदि जो हमारे शरीर में से निकलता है, तो इन सबको शरीर से बाहर निकलने वाला यह बात दोष ही है। जब ये अपनी सही स्थिति यानी सम स्थिति में रहता है तो सभी दोष धातु मल सब अपनी सम स्थिति में रहते हैं, पर जब ये दूषित हो जाता है या कुपित हो जाता है, कुपित मतलब क्रुद्ध हो जाता है, नाराज हो जाता है, तो बाकी दोष और धातु मल सब को दूषित कर देता है। जैसे घर का कोई बलवान आदमी जब गुस्सा हो जाए तो घर का ज़्यादा नुकसान करता है, ऐसे राष्ट्र का कोई बड़ा पद में स्थित कोई व्यक्ति वो बुद्धिहीन हो या समझ ना हो या वो ज़्यादा उसके अंदर तानाशाहीपना हो तो वो देश राष्ट्र और दुनिया की हानि करता है। ऐसे ये जो वायु है, ये वायु शरीर में बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी सभी चीज़ों का सभी हमारे दोषों का अपना उनकी अपनी महत्ता है, पर भी ये वायु बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमको ये समझना चाहिए। इसीलिए क्योंकि ये जिससे कि ये उस स्थान पर पहले से विद्यमान दोष में, क्योंकि वायु यदि किसी दोष को दूसरे स्थान पर पहुंचा दिया, पहले से यहाँ पर वो दोष पहले से ही है तो बढ़ जाएगा, फिर रोग की उत्पत्ति हो जाएगी। तो इसीलिए आयुर्वेद के अनुसार शरीर में सभी प्रकार के रोगों का जो मूल कारण है उसको वात को ही माना गया है। तो जहाँ सामान्य दशा में वात दोषों और दूष्य यानी कि जो धातु है मल है या जो उपधातुएं हैं इनको अलग अलग रखता है, वहीं कुपित होने पर आपस में भिड़ा देता है, यानी कि इधर का उधर करेगा, कोई कहीं ज़्यादा कर देगा कहीं कम कर देगा, फिर वो बीमारियां पैदा होने लगती हैं। इसीलिए वात में एक विशेष गुण भी है, ये क्या करता है कि ये योगवाहिता है, अर्थात दूसरे दोषों के संयोग से उनके गुणों को धारण करना, यानी कि दूसरे के दोषों को संयोग से उनके गुणों को बढ़ाने का काम भी यह इस तरह से, ये जैसे कि मान लो जब यह पित्त दोष के साथ मिलता है तो उसमें दाह पैदा करेगा, उष्णता पैदा करेगा, तो वो पित्त के दोषों को बढ़ा देगा, और जी यह कफ के साथ मिल जाएगा जा करके तो क्या करेगा, शीतलता को बढ़ा देगा, क्लेदन जिसको क्लेदन का मतलब होता है गीलापन को बढ़ा देगा, तो इस तरह के गुणों को बढ़ा देता है। और ये वायु वात स्थान और कर्म के भेद से तो हम इसको वात को ही पांच प्रकार के जो पंच प्राण जो हम कहते हैं ना योग में प्राणों का बहुत महत्व है, तो वही प्राण ही यहाँ पर वात है, समझिए आप। प्राण, उदान, समान, व्यान और अपान, ये जो है ना ये पांच जो पंच प्राण हैं यही रोगों के उत्पत्ति के मुख्य कारण हैं। योग के द्वारा इन प्राणों की जो साधने की बात कही जाती है, आयुर्वेद में वायु को ठीक करने की बात की जाती है। इस तरह से सभी प्रकार के रोगों की उत्पत्ति में वात का योगदान होता ही होता है, परंतु केवल वात के प्रकोप से जो उत्पन्न होने वाले जो रोग हैं, नानात्मक जो रोग हैं, तो आयुर्वेद के अंदर मुख्य मुख्य रोगों की गणना 80 मानी गई है। तो अब हम इसको थोड़ा सा समझ लें, हमने इसको समझा कि प्राण और वायु उसमें कोई फर्क नहीं है, और वायु की क्या महत्ता शरीर में है, वायु दोष है पर वह धारण करने वाला है, इसलिए वो धातु भी है, और वह बाकी के दोषों को घटाने बढ़ाने का काम करता है, इसलिए वह योगवाही भी है, यानी पित्त के साथ मिलकर के पित्त के गुणों को बढ़ा देता है, कफ के साथ मिलकर के कफ के गुणों को बढ़ा देता है, तो वो तो लाभकारी भी है। परंतु जैसे मैंने आपको बताया, अब इसके जो स्वाभाविक गुण क्या है, स्वाभाविक गुण के अंदर कहा कि वात रुक्ष होता है, रुक्ष है, शीतल है, लघु है, सूक्ष्म है, चल है, ऋषद है, ऋषद का मतलब होता है उसमें चिपचिपाहट नहीं है, और खर है। तो इसीलिए कहा रुक्ष शीतो लघु सूक्ष्म चलो अथ विषद खर। तो विपरीत गुणैर द्रव्यैर मारुतः संप्रशाम्यति, ये
ये रुक्षता आदि जो वात के जो स्वाभाविक गुण हैं, जब वात सम अवस्था में होता है तो इन गुणों का हम अनुभव नहीं कर पाते, नहीं होता उस समय पर। परंतु आप देखेंगे कि जैसे उत्साह है, श्वास लेना है, छोड़ना है, ये सब जो इन सब कर्मों से ही पता चलता है कि वात वायु शरीर में काम कर रहा। हाँ, एक बात मैं और भी बता दूं कि यदि श्वास लेना और छोड़ना समाप्त हो जाए तो क्या वायु कार्य करना समाप्त कर देता है? नहीं, वायु का कार्य तो निरंतर चल रहा होता है, पर वो प्राण के रूप में जो काम कर रहा होता है वो कार्य खत्म हो जाता है। जब वात प्रकुपित होता है तब फिर क्या लक्षण दिखाई देने लगते हैं? शरीर में रुक्षता होने लगती है, शरीर में दर्द होने लगता है, शरीर में सूजन होने लगती है, शरीर में अकड़ाहट होने लगती है, ये सब शरीर पर प्रभाव, इस तरह के दोष दिखाई देने लगते हैं। जैसे मैं बात करूँ रुक्षता की, तो रुक्षता या फिर आदमी दुबला होता है, आदमी बौना होता है, आवाज़ जो है अटकी हुई होने लगती है, स्वर तंत्र के विकार हैं, गला खराब होने लगता है, भरभराने लगता है और बहुत खुश्की आने लगती है, पर आवाज़ धीमी होने लगती है, भारी होने लगती है। ये सारे लक्षण जो है नींद गड़बड़ाना है, नींद की कमी होना है, इसमें मुख्य कारण वात के कारण से है, यानी कि वायु की वजह से है। इसी तरह से दूसरा कारण है, जैसे दूसरा उसका है शीतलता, यानी कि शीतल पदार्थ को सहन न कर पाना या शीत रोगों में जल्दी से प्रभावित हो जाना। यदि जल्दी से ठंड लगती है तो कफ की वजह से नहीं है, शरीर में यदि जल्दी से गर्मी लगती है तो भी पित्त की वजह से तो है, पर उसमें वायु भी कारण है। इसी तरह से जल्दी से बीमारी हो जाना, शरीर में कंपन होना, अकड़ाहट होना, ये सब भी। लघुता का अर्थ है कि शरीर में थोड़ा सा हल्कापन, चाल में गति, भोजन ग्रहण और वेग जो स्पीड में जो लड़खड़ाहट है। फिर इसी तरह से जिसको हम चंचलता कहते हैं, संधियों में गति, आंखों में, भौहों में, ठोड़ी में, जोड़ों में, ओठों में, जितने भी जो हमारे शरीर हैं, कंधों में, टांगों में, इसमें सब में अस्थिरता, ये जैसे पार्किंसन है, कंपन हो रहा, लड़खड़ाहट है, ये हलन है, ये सारी स्थितियाँ। इसी तरह से विशदता जिसको बोलते हैं ना हम लोग, जो उसमें अचिपचिपाहट होना, फैलाने व मोड़ने पर संधियों में कटकट होना, आपने देखा ना कई बार शरीर कटकट कटकट करते हैं, यानी कि चिपचिपाहट की जो हमारे अंदर जो जो अंदर इसके अंदर जो लचीलापन होता है, जो फ्लूड होता है, वो खत्म हो जाता है, तो ये अड़कटाहट कटकट के आवाज़ वगैरह आने शुरू हो जाती है। आपने देखा होगा जो स्किन फटने शुरू हो जाती है कई जगह पर, ये सब भी इसकी वजह से है। तो ये जो खरत्व है, खुरखुरापन भी आप देखेंगे, खुरदुरापन हालांकि पित्त से भी होता है पर वायु से भी हो जाता है। जैसे सिर के बालों में, चेहरों में, कहीं पर भी आप देखेंगे कि ये रूखापन है, खुरदुरापन है, ड्राई स्किन है, तो ये भी वायु के कारण से है। इसी तरह से जिसको कहते हैं ना बहुलता, बहुलता का अर्थ है कि जो आधिक्य है, जैसे आधिक होना क्या है कि जो जल्दी जल्दी काम करना, जल्दी जल्दी बोलना, भागम भाग, ये वो जो अस्थिरता है, चंचलता है, ये सारों का कारण ये कहीं ना कहीं ये जो सिराएं उभरना, ये नसें उभरना, ये होना, ये सब भी वायु के कारण से है। और जैसे मैंने कहा शीघ्रगामिता कि फास्ट काम करना, ये भी करो, जल्दी से खाया तो खटाखट खा लेना और भयानक गुस्सा करना। आजकल तो आप देखो तो हमको लगता है कि हाँ गुस्सा क्रोध तो पित्त से भी आता है, पर ये उसका जो यदि किसी की पित्त प्रकृति है और वो भयानक क्रोध करता है तो समझिए कि पित्त और वात मिल जाए, तो वो तो मैं ऐसा मानता हूँ कि नीम और जैसे कि उसमें चढ़ा हुआ करेला, तो उसमें जल्दी जल्दी क्रोध हो जाना, चिड़चिड़ाहट मचाना, तो इन सब के लिए आप समझिए कि उसका वायु दोष विकृत हुआ हुआ है। या कुछ जल्दी से दूसरों को डराना, फिर अपने आप डर भी जाना, यानी कि हम दूसरों को, जैसे आपने देखा होगा जो क्रूर लोग होते हैं दूसरों को भयभीत करते हैं पर वो अपने आप भी जल्दी से, इसी तरह से किसी की बात को जल्दी से ना पसंद है, नहीं मेरे को नहीं करना, मुझको तो पता है, ये सारे लक्षण मेरे भाई ये वात प्रकोपित होने के कारण से हो जाते हैं। ये क्यों हो जाते हैं? ये जैसे हमारे वात पित्त के कारण में, जैसे हम लोगों ने जो मलमूत्र को रोक करके रखते हैं, जो सोए की इच्छा को दबा कर रखना, और फिर ये क्यों बढ़ता है एकदम? मैं यदि बात करूँ कि वायु एकदम बढ़ता क्यों है, जो एकदम बढ़ने के कारण में, जैसे मैंने कहा कि आपकी जो सहज इच्छाएं हैं, आदमी को हमको जो कोई बात होती है तो सहजता से, शालीनता से प्रकट कर देनी चाहिए, यदि हम नहीं करते तो भी वायु बढ़ेगा। और इसी तरह से जो बार बार भोजन खाते हैं, आजकल जो असमय में खाते हैं, ज़्यादा खाते हैं, बिना पचे हुए भोजन खा लेते हैं, ये खतरनाक है वायु बढ़ाने में, यानी कि इच्छाओं को दबाना, अति भोजन, असमय भोजन, विपरीत भोजन,
दूसरा कारण, तीसरा कारण है जो देर रात तक जगना, कि समय पर न सोना, समय पर न उठना, इसके अतिरिक्त जो हमेशा तेजी में, क्रोध में, आवेग में रहना, इससे भी बहुत वायु बढ़ती है। तो प्लीज मेरी बातों को याद रखिए, हम दोषों की बात कर रहे हैं, हम दोषों की चर्चा कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ इसके कारण की भी हम बात करेंगे। हम आपको बोर नहीं होने देंगे, हम आपको बहुत गहरे गूढ़ ज्ञान को भी सरलता से देने का प्रयास करें। और आप देखिए, जिन जिन बातों को हम कह रहे हैं, यदि वो दोष हैं तो उनको दोष करने दूर करने का भी प्रयास करिए। ऊंची बोलना, हमने कहा कोई बात हुई, छोटी सी बात हुई, एकदम सहन नहीं होता, आदमी धड़ाधड़ करने लगता है। इसी तरह से श्रम भी, कई बार क्या होता है कि आदमी जितना सामर्थ्य उससे ज्यादा खतरनाक काम करता है, तो काम न करने से भी वायु की वृद्धि होती है और फालतू बहुत ज्यादा काम करने से भी वायु बढ़ जाती है। और कई बार वायु की वृद्धि हो जाती है जैसे कि हम कहीं दब गए, अकड़ करके रहे, एक ही स्थिति में बहुत ज्यादा बैठना पड़ा, या किसी वाहन आदि में जब बहुत लंबी जर्नी कर लेते हैं तो उसको जो है एक ही स्थिति पर हमको रहना पड़ता है, तो भी वायु की वृद्धि हो जाती है। फिर कई बार कड़वे कसैली जो चीज होती है, हम ये सब खाते रहते हैं, जैसे होता है ना कि बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले खूब खा लिया, या फिर सूखे मेवे जो है, वो मेवे भी क्योंकि वो वायु को बढ़ाते हैं बहुत ज़्यादा। इसके अलावा इतना ही नहीं, जो बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, चिंता करते ही सबसे पहले जो है ना वायु बढ़ती है। और फिर मैं और कहूँ कि मानसिक, आजकल हर किसी को डिप्रेशन, स्ट्रेस है। यदि छोटे छोटे को बच्चे को भी पूछो तो वो बता देगा स्ट्रेस क्या है। पहले गाँव में, या आप देखते हैं कि जहाँ पर अभी भी आप जाइए, गांव में जाइए, ग्रामीण क्षेत्रों में, वनवासी क्षेत्रों में, जनजातियों में, उनको पता नहीं क्या तनाव होता है। ठीक है, उनको पता है ये परेशानी है, परेशानी प्रतिकूलताएं अलग है, तनाव अलग है। हमेशा ध्यान रखिए कि हर प्रतिकूलता में, हर परेशानी में तनाव नहीं होता, हर तनाव वाले व्यक्ति को अत्यंत प्रतिकूलता हो ये जरूरी नहीं है, इसको समझिए। इसलिए मानसिक परेशानी में रहना और अधिक जैसे बहुत ज़्यादा जैसे जो सेक्सुअल डिजायर्स, बहुत ज़्यादा स्त्री संभोग करना, इस तरह के विचारों को लाना, मन में बुरे बुरे ख्याल आना, और ये इसके लिए फिर बुरे ख्याल को कैसे दूर करें। इसीलिए आप इस बात को मैं यहाँ जोड़ना चाहता हूँ, हम जब योग की बात करते हैं, प्राणायाम की बात करते हैं, तो श्रद्धेय स्वामी जी भी क्या कहते हैं कि आप प्राणायाम करने से आपका मन शांत होता है, मन शांत होगा तो हमारे जो विकार वो भी शांत हो जाएंगे। तो यदि वो मन शांत किससे होता है, प्राण की जो गति है वो रुक जाने से। प्राण की गति समत्तम योग उच्चते, यानी वहाँ समत्तम का अर्थ क्या है, वहाँ हमारी मानसिक स्थिति बिल्कुल सम हो जाती है। तो यहाँ आयुर्वेद में भी यही बात है कि आपका वात बैलेंस होगा तो ये जो डिजायर्स हैं, जो इच्छाएं हैं, जो विकार हैं, उन सब का समन हो जाएगा। और उपवास के लिए भी कहा कि हमको ज़्यादा उपवास नहीं करना, अधिक मात्रा में खाना नहीं खाना, दोनों ही करना, यानी बैलेंस चाहिए। आप जीवन को जो है ना तो अति सर्वत्र वर्जित, कुछ भी अति नहीं चाहिए, तो इनका आप ध्यान रखिए। बहुत ठंडा नहीं खाना, बहुत गर्म भी नहीं खाना, इन सब से क्या होता है, शरीर में जो है वात दोष प्रकोपित हो जाता है। वर्षा ऋतु और विशेष करके बुढ़ापे में तो इनके बिना भी वात प्रकोपित होता रहता है कई बार। तो इसलिए हमको ध्यान रखना है कि जिसकी प्रकृति ही वात प्रकृति की है, तो अल्प कारण से वात प्रकोपित हो जाता है। तो इसीलिए प्रकोपित वात की जो लक्षण की दी है, तो ये जैसे मैंने गिनाए कि वात कैसे कैसे प्रकोपित हो जाता है, तो प्रकोपित होने के साथ साथ में हम इसको कैसे रोक सकते हैं, हमको किस तरह के कार्य करने चाहिए, किस तरह की सावधानी रखनी चाहिए। तो जब शरीर में वात प्रकोपित हो, तब उसमें जो है, जैसे मैंने बताया कि उसमें शरीर में शुष्कता आ जाती है, रुखापन आ जाता है, अंगों में, शरीर में अकड़ाहट आ जाती है, चुभन जैसा होने लगता है, और दर्द होने लगता है, जोड़ों में परेशानी महसूस होने लगती है। तो ये सारे लक्षण जो है, ढीलापन, जोड़ों में ढीलापन भी आ जाता है, जो हड्डियाँ भी सरकनी शुरू हो जाती हैं, टूटना शुरू हो जाती हैं, अकड़ाहट बढ़ जाती है शरीर में, एकदम आदमी लचीलापन सब खत्म हो जाता है, तो ये कंपन शुरू हो जाता है। ये सारे लक्षण जितने भी गिना रहा हूँ, ये वात दोष के हैं। तो उपाय हैं, जैसे मैंने कहा, आप उचित योगासन करिए, प्राणायाम करिए, उचित आहार करिए, अपने विचारों को ठीक रखिए। तो इसी तरह से जैसे कमजोरी होना, कब्ज होना, नाखून, दांत, त्वचा, इसका सब काला फीका पड़ना, मुंह का स्वाद बिगड़ना, कसैला होना, ये सारे लक्षण भी ये सब ये वायु की वजह से ही होते हैं। तो इसीलिए वात का जो मूल जो स्थान है, वैसे तो देखा जाए हमारा जो आंत है, पक्वाशय है, वो इसका मूल स्थान है। और
क्योंकि जो वायु का प्रकोप का संबंध हमारे अन्न से, जब अन्न का भाग जब प्रकाश में पहुंचता है तो वात फिर उत्पन्न होने लगती है। तो जो दूषित या प्रकोपित वात होकर के क्या करता है कि वो सीधा सीधा सा आयुर्वेद में लिख रखा है, जिन कारणों से वात का प्रकोप होता है उन कारणों को दूर करने और वात के विरोधी खान पान औषधियों और साधनों का प्रयोग करने से वात शांत हो जाता है, ऐसा आयुर्वेद में लिखा है। तो इसके अतिरिक्त वात के जो अपने गुण कर्म है उनसे विपरीत उल्टी चिकित्सा करनी चाहिए। वात को सभी दोषों में प्रधान माना गया है, पित्त और कफ में भी वायु की गति प्रदान करता है। इसीलिए ध्यान रखिए कि वायु दोष को साम्य अवस्था में रखने के लिए विशेष ध्यान देना चाहिए। इसके दृष्टि से कुछ उपयोग हैं, जो प्रयोग हैं, जो हमको करना जरूरी है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। पहला कार्य हमको करना चाहिए स्नेहन, यानी कि स्निग्ध पदार्थ जो घी तेल वसा मज्जा ये जो सेवन है ये वायु को नहीं बढ़ाते हैं, स्निग्धता आती है। जैसे गर्म जल से नहाना है या मालिश आदि करना है या एनिमा आदि देना है या कहीं पर भी सिकाई वगैरह करना है या जैसे टब आदि में बैठना है, जिसको अवगाहन हम लोग कहते हैं, गर्म पदार्थों का प्रयोग करके जैसे पसीना लाना है, जैसे और मृदु विरेचन, थोड़ा सा दस्त आदि के पेट साफ करने वाली चीज़ों को लेना है तो जिसमें थोड़ा सा नमक नींबू वगैरह डाल के पानी पी करके भी हम उसको मल बाहर निकल जाए, ये उपाय कर सकते हैं। रोग वाले अंगों पर हमें पोटली बना करके, जैसे सेंधा नमक है या उसमें सौंठ है या रेत है, उसको मिला करके हम उसको गर्म कर करके सिकाई कर सकते हैं। नस से में जैसे षडबिंदु तेल आदि तो कफज रोगों में काम करता है, तो हम अणु तेल आदि को डालना, सरसों का तेल डाल करके ऊपर खींचना, फिर मालिश वगैरह करना या हाथों को मालिश वगैरह के साथ में दबाना, ये सब उपाय हैं। फिर वात हर औषधियों की जैसे मालिश, तेलों की मालिश के साथ साथ में इस तरह के काढ़ों का सेवन करना, अलग अलग रोगों के हिसाब से हम अनेक रोगों को अनेक औषधियों के विषय में भी हम आपको बताएंगे। तो विशेष कर करके जो पाचक हैं, दीपक जो औषधियाँ हैं, जो शरीर में जो स्टूमुलेट करने वाली जो चीज़ें हैं, जो उत्तेजना को पैदा करने वाली चीज़ हैं, वात को शांत करने वाली जो चीज़ हैं, इनको औषधियों को या इस तरह के पदार्थों का हम सेवन करें। और भोजन के रूप में जैसे गेहूं है, तिल अदरक लहसुन गुड़ है, इसको डाल करके जो बनाए गए द्रव्य हैं इनको ले सकते हैं। और जैसे मैंने कहा कि एनिमा आदि का प्रयोग कर सकते हैं। रोग व परिस्थिति के अनुसार मानसिक उपचार भी, कि बहुत ज़्यादा हमको सजग रहना, मानसिक रूप से मजबूत रहना। और मैं विशेष बात कहूँ कि वायु से विविध रोग होते हैं, वायु का संबंध प्राण से, प्राणायाम को इसके द्वारा प्राण को कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसमें हालांकि तेल आदि पदार्थों का या फैट युक्त मांसाहारी लोगों के लिए कई बार आयुर्वेद में ऐसा भी कहा गया कि मांस रस आदि का सेवन भी, हालांकि योग की दृष्टि से देखें, आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो उसको हम उचित नहीं मानते हैं, तो फिर भी ऐसा हो तो थोड़े उसमें वो ले सकते हैं। तो क्योंकि मांसाहार से आप जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग से लेकर के अभी भी जो COVID-19 है उसमें भी कहीं ना कहीं मांसाहार का कारण माना गया है, इसीलिए मांसाहार से बचिए। बाकी शाकाहार से ही आप अपने उपाय और रोगों की निवृत्ति के साधन को ढूंढिए। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग साधारण आहार लेकर के सावधानी पूर्वक शरीर के शोधन के साथ में और मालिश आदि के उपायों से, एनिमा आदि से, जैसे नीचे का अधोभाग का जो शुद्धि से हम अपने आप को ठीक रखें। इस तरह से हमने जाना कि वात प्रकोपित किन कारणों से होता है, वात प्रकोपित होने के लक्षण क्या हैं और इनको किस तरह से हम वात को ठीक कर सकते हैं। तो इन सावधानियों को अपना करके प्रकोपित वात को ठीक करिए। और वायु दोष नहीं है, वायु धातु है, वायु शक्ति है, वायु प्राण है, हमने इसको समझा। और अब हम अगली कड़ी में फिर आपको बताएंगे पित्त क्या है, पित्त का क्या प्रभाव है शरीर में और किस तरह से पित्त को हम बढ़ा या घटा सकते हैं, पित्त जन्य दोषों को कैसे दूर कर सकते हैं। ऋषियों के ज्ञान से लेकर प्रकृति के वरदान तक, आयु के विज्ञान से लेकर आयुर्वेद के सिद्धांत तक, प्राचीन चिकित्सा पद्धति के हर पहलू का प्रासंगिक विवेचन ऋषिकल श्रद्धे आचार्य बालकृष्ण जी द्वारा सरल भाषा में स्वरचित सृजन, हिंदी अंग्रेजी सहित विश्व के 70 से अधिक भाषाओं में लाखों की संख्या में प्रकाशित बेस्ट सेलर अद्वितीय ग्रंथ आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य, आज ही घर लाएं आयुर्वेद से
स्वस्थ जीवन का आधार पाएं।